नहीं सर। आओ, एग्जाम है बाबू, हाँ सर, कब तक है बोला? अच्छा 22 तारीख। चलो, देखो क्या करा हम आपको, क्या पढ़ा रहे सर, रेशियो पर पोषण पढ़ा रहे हैं, ठीक बाबू। तो कितने सारे क्वेश्चन कर चुका है सर, 187 क्वेश्चन सर, मायने रखता बाबू, इतना इतना क्वेश्चन मायने रखता है ये बाबू। हम लोग दो तीन गो है, इसको फिनिश कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वाइंस वगैरह का कर लेंगे। ए से रिलेटेड आपको जितना भी टाइप है बता दिया है ना, बता दिया, इसमें कुछ नहीं करना रहता। देखो द प्रेजेंट एज रेशियो बाबू एंड बी बाबू 4:5, ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया सर, 4:5। आफ्टर 5 ईयर्स बाबू द सम ऑफ एजेस बाबू ए एंड बी बाबू आप विल बी 46 ईयर्स, है ना। तो सर व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, है ना। तो इसको दो मेथड्स बनाएंगे, पहले एक मान लो बाबू एज्यूम करके बनाओ, फर्स्ट मेथड बोला, फर्स्ट मेथड है ना, ए बी का प्रेजेंट एज दिया हुआ। तो आपको बोले थे ना बाबू जब ए बी का परसेंटेज 4:5 दिया हुआ था, ए का परसेंटेज कितना मान लो 4x, बी का परसेंटेज कितना मान लो 5x मान लो, यही मान लो, यही तो बचपन से पढ़ा रहे, रेशियो दे ले रहेगा सर, उसके बगल में ए एक्स चिपका देंगे सर, तो रेशियो क्या होगा, हट जाएगा सर। तो ए का मान लेंगे बाबू लेट, बाबू लेट बोला, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या मानेंगे बाबू, प्रेजेंट एज ऑफ ए का परसेंटेज कितना सर 4 है ना बाबू, तब 4x मान लेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ वाई बी, प्रेजेंट एज ऑफ किसका बाबू, प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी बी है, बी है, 5x हो गया, है ना। अब उसके बाद के ये सब एलकेजी का मुंह छुपा के पढ़ाएंगे, है ना, ठीक बाबू। आफ्टर 5 ईयर्स, हाँ आफ्टर 5 ईयर्स द सम ऑफ एज बाबू ऑफ ए एंड बी बाबू विल बी 46 ईयर, 5 साल के बाद दोनों एज का सम कितना होता है 46, 46 साल हो जाता है। तो 5 साल के बाद ये कितना साल का हो जाएगा, 5 साल के बाद ये कितना साल का हो जाएगा, है ना। तो आफ्टर 5 ईयर्स बाबू, है ना, आफ्टर 5 ईयर्स, अब 5 ईयर्स के बाद ए का एज कितना हो जाएगा, 5 साल के बाद ए का एज कितना होगा बाबू, बताओ बाबू, एक से शुरू करते, सालनी नहीं, सालनी अनुज बाबू बताओ, अनुज कहाँ गया जी, 5 साल के बाद ए का एज कितना हो जाएगा। हाँ अभी सब तो बच्चा मेरा एकदम याद हो गया, आफ्टर 5 ईयर्स बाबू, आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद एज ऑफ ए बाबू, आफ्टर 5 ईयर्स बाबू एज ऑफ ए, ए का एज, एज ऑफ ए कितना हो जाएगा 4x है सर, 5 साल के बाद, अभी मान लो आप 10 साल के, 5 साल के बाद 15 साल, क्या बोला 16 ईयर्स और 20 ईयर्स आंसर आएगा। अच्छा बोला, देखते हैं उसी तरह बाबू 5 साल के बाद, ए रोल नंबर अपना अपना याद रखो जी, हमको नाम आर्यन बाबू बताओ बाबू, एज ऑफ बी बाबू आफ्टर 5 साल के बाद एज ऑफ बी बोला कितना होगा बाबू, आर्यन सेतान, ए आर्यन वीडियो ऑन करो जी, वीडियो ऑन करो बाबू, हाँ 5 साल के बाद, 5 साल के बाद बी का कई साल का हो जाएगा सर, 5x+5, उसका 5 साल के बाद दोनों एज का साम दे ले 46 साल, दोनों दोनों एक आध दिन अब पीछे से शुरू करेंगे जी, ऊपर वाला पूछते हैं पीछे वाला बेचारा इसी रह जाता सुजीत वगैरह, है ना, एक दिन पीछे से करेंगे एक दिन ऊपर से, हाँ बाबू हाँ समझ रहा आपकी भावना समझ रहा, ठीक। 5 साल के बाद बाबू क्या करता है दोनों एज का साम, तो सम ऑफ बोथ एज कितना हो जाएगा सर, सम ऑफ एज निकाल दो, सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एज का सम कितना सर, इन दोनों को जोड़ देंगे सर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 4x+5x, 9x+10, है ना, ठीक सर। यही एज के सम ने दे ले 46 ईयर सर, सिंस बाबू सर, हाँ बोले, ऐसे नहीं कर सकते 4x+5/5x+5=46, अरे मेरे रेशियो नहीं ना देले भोली, रेशियो नहीं देले, एज का सम देले, तो सम देले तो दोनों एज का सम निकालोगे, रेशियो देले रहेगा तब ना 4x/5/5x/5 करोगे, ये रेशियो का सम दिया था, ए का 5 साल के बाद एज निकाल लो, बी का 5 साल के बाद निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, 9x+4 हो गया, 9x+10 हो गया। अब ये 5 साल के बाद एज के रेशियो का सम दे ले सर, कितना दे ले सर 46 ईयर, 5 साल के बाद बाबू एज का सम निकाले 9x+10 आ गया, और यही कितना दिले सर, है ना, आपने कैलकुलेट किया 5 साल के बाद एज कितना रहा 9x, दोनों का कितना 9x+10 आ रहा, ठीक। और अब बाबू क्वेश्चन में दिले सर कितना सर, दिले सर 46 ईयर, आपके द्वारा किया गया कैलकुलेशन क्वेश्चन के द्वारा, दोनों क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 9x, 10 उधर जाएगा उछल के, प्लस है तो उधर जाएगा, तो 46 माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 9x बराबर कितना, 46 - 10 मम्मी कितना पढ़ाई है 36 हो गया, तो x बराबर कितना 36/9, 9 से 4 टाइम में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया 40 ईयर्स 50 ईयर्स, तो हमको क्या करा, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बोथ दोनों का, तो x का वैल्यू 4 आ गया,
अब परसेंटेज ऑफ ए कितना कर रहा है, 4x कर रहा है, तो x यहां रख देंगे 4, तब 4 इंटू 4 कितना 16, 5 इंटू 4 कितना 20, 20 है ना, ठीक है बोला, लिखो बाबू लिखो। यानुज बाबू वीडियो ऑन करो, यानुज शैतान, सीता शैतान ऑन कीजिए, आर्यन बाबू ऑन कीजिए, अनुष्का कैसे आ गए भोली, विश्वास नहीं होता है, नहीं गए पापा जी बाबू, तो कैसे आई भोली, पापा जी चल गए ना बाबू, तो सब कल जाएंगे, कल जाएंगे, चलो अच्छी बात है भोली, लिखिए जल्दी से बाबू, तब रौनक नहीं है, और भूमिका बाबू कैमरा थोड़ा लेफ्ट करो बाबू, भूमिका तो शैतान कल बाबू शाम को भी कॉल कर रहे थे पढ़ाने के लिए, क्यों नहीं उठाई बाबू भूमिका, सर मुझे आवाज नहीं आई, कॉल किया आपका आवाज नहीं गया, कॉल काट दिया शैतान, आवाज नहीं गया भोली, हद करते हो जी, सर मैंने नहीं किया था, मैंने दो दो तीन तीन बार कॉल किया कि पढ़ाएंगे, लिखे संतनी काम भाग गए संतनी भोली, यस सर, कहाँ भाग जाते हो बाबू, नहीं सर पानी लेने गई थी, लेने 10 मिनट में पानी लेने जाओ, खाना लेने जाओ, लिखे जल्दी से जी, अरे फर्स्ट मैटर पढ़ाए थे, नेक्स्ट बाबू तो मिटाएगा मत सर, शाम को क्या लिखना सर, परसेंटेज ऑफ ए कितना हो जाएगा सर, अब नीचे से बाबू ऊपर से हम लोग कहाँ तक, आर्यन तक पहुंचना, चलो बिट्टू का बारी है, बता बिट्टू परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा सर, परसेंटेज ऑफ ए 16 इयर्स, परसेंटेज ऑफ बी 20 इयर्स, वेरी गुड बाबू, तो हम लोग इसमें एक लास्ट लाइन लिखेंगे बाबू, इसको सेकंड मेथड से सर, तो हाँ बोलो, सम तो 46 दिया हुआ है, हाँ सम 46 दिया, दो सर 5 साल बाद का सम, तो 5 साल बाद, सर 5 साल बाद सम 46 कैसे आएगा सर, 5 साल बाद भी तो सम उसका 45 आएगा, 5 साल बाद 45 आएगा, क्या कह रहा बाबू सर, आप एज का सम करके देखिए, अरे भोला तो 5 साल एक को में बढ़ाएगा बाबू, 5 साल खाली तुम ही मान लो, 5 साल के बाद आपका एज दोनों में बढ़ा दिए सर, दोनों में बढ़ा दिए फिर भी नहीं आ रहा है, हां तो 10 जोड़ो आ जाता है सर। उसका दिन शैतान जब भी एज मान लो आपका अभी आपके 15 साल का, 5 साल के बाद 20 साल हो गया, और आपका पापा जी का 30 साल है, तो 5 साल के बाद कितना होगा, खाली अपने में जोड़ोगे, 5 साल 5 साल दोनों में बढ़ेगा, जब भी इंक्रीमेंट होगा तो दोनों में ना करेगा जी, नेक्स्ट बोला, तो इसलिए वो परसेंटेज ऑफ बाबू किसका बाबू, क्वेश्चन ही मिटाए सर, नीचे मत मिटाएगा सर, क्वेश्चन मिटाए नीचे मत मिटाएगा सर, उस साइड भी मत मिटाएगा सर, नेक्स्ट बोला, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे सर, यहां से लिखेंगे, देखो बोला इसलिए बाबू परसेंटेज ऑफ ए कितना सर 4x, तब 4 इंटू 4 कितना 16 साल, परसेंटेज ऑफ बी कितना सर 5 इंटू 4 कितना 20 साल, ठीक, तब 4 प्लस 16 36 साल हो गया, 10 साल 5 साल के बाद, तो 5 साल इसमें भी ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे तो नहीं आता बाबू 46 बाबू, शैतान अनुज इसको ही भी नहीं करता है। नहीं है अनुज, भलो को अंशु जी, मैं कहां बोल रहा था सर, अंशु जी बोल रहा है, अंशु जी आ गया सर, आ गया, नेक्स्ट सेकंड मेथड देखो, ये शांतनी फिर इसको प्यास लग गया, ये हर्षिता वीडियो ऑन करो, यानी अंशु जी ऑन करो बाबू, देखो सुजीत शैतान, सुजीत थोड़ा बाबू कैमरा आप कीजिए बाबू, आपका फेस खाली नहीं दिखता, खाली सेटे दिखता है, थोड़ा कैमरा ऊपर कीजिए बाबू, मोबाइल को और कीजिए बाबू, दिखता नहीं है फेस शैतान, चलो नेक्स्ट बाबू, देखो सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे सुजीत,
इसके बाद क्या लिखना, यहाँ फिनिश किया उसके बाद ये वाला लाइन लिखना, ये वाला लाइन लिखना, यहाँ फिनिश किया उसके बाद ये दोनों लाइन लिखना, ये दोनों लाइन लिखना। कुछ कुछ बच्चा का वो फेयर चेक हो नहीं पा रहा है, क्या करें, कब छुट्टी रहता है शैतान। इस बार 1 जनवरी ऐसा दिन आया बाबू कि संडे को आ गया, मंडे रहता तो मेरा काम आप लोग का काम निपट जाता, थोड़ा थोड़ा का फेयर चेक कर लेते। ऐसा ये 1 तारीख आया भी बाबू सर, सर लेकिन हम लोग का छुट्टी भी तो बर्बाद। हाँ बाबू मेरा काम निपट, थोड़ा निकलता ना जी, आप लोग का फेयर चेक हो जाता जो भी बाबू, जैसे शांतनी है, रोशनी है, सुजीत है, ये सब का नहीं चेक हो पा रहा है ना। 1 तारीख को छुट्टी देंगे ना, 1 तारीख को इंग्लिश का क्लास होगा ना। नेक्स्ट बोला सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ बाबू ए एंड बी, बाबू 4:5 है ना, कोई ए है सर, शांति से समझना, बी है सर, प्रेजेंट एज दे ले, प्रेजेंट एज दे ले, प्रेजेंट एज दे ले, है ना, प्रेजेंट एज दिया कितना सर, 4 है सर, एगो 5 है, समझना बात को ठीक है। प्रेजेंट एज कितना सर, 4 × 5 है ना, फिर क्या करो 5 ईयर्स बाद में, 5 साल बाद में, तो इसका भी 5 साल बाद में बाबू प्लस 5 ईयर्स, और ये भी 5 साल बढ़ेगा है ना, तो एज ऑफ सम कितना हो जाता है 5 साल बाद बाबू, दोनों का है ना, द सम ऑफ एज ऑफ बाबू एंड बी, ये प्रेजेंट है 4:5 है 5 साल के बाद, तो ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा, तो इसका सम कितना दे ले सर, 46 ईयर दिया, दोनों का सम कितना दिया 46 ईयर्स दिया हुआ, ठीक सर। तो कह रहा प्रेजेंट एज निकालने के लिए, आए बाबू की सर, तो ये 5 साल बाद, 5 साल बाद 46 साल का ना हो गया बाबू, तो हमको कंपेयर किससे करोगे, यहाँ पे प्रेजेंट एज का रेशियो दे ले, शांति से समझना, ये सब एक लाइन है, प्रेजेंट एज का रेशियो दे ले, तो प्रेजेंट एज के रेशियो को सम करेंगे तो कितना आएगा सर, 9 आएगा, 4 + 5, इसको सम करोगे बाबू, इसको अगर सम करोगे बाबू, प्रेजेंट एज के रेशियो को सम करोगे तो 4 + 5 कितना होगा, 9 होगा, है ना बाबू, इसको सम करोगे भोला तो कितना होगा, 9 होगा। हाँ सर, और यहाँ सम दे ले सर 46 साल, लेकिन कब के दे ले सर, 5 साल बाद के दे ले, और यहाँ प्रेजेंट एज का सम का है, तो हम लोग यहाँ से बाबू इसको प्रेजेंट एज कितना होगा, प्रेजेंट एज इसको कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज के रेशियो का सम कितना आ गया सर, 5 + 4 कितना, 9 हो गया, बात समझ में आ गया, और 5 साल के बाद सम का एज कितना दे ले, 46 साल दे ले, तो इसको बाबू 5 साल पीछे लेके जाओ ना, इसको क्या करो, 46 साल बाबू 5 साल बाद है ना, तो 5 साल पहले जाएंगे तो प्रेजेंट एज में नहीं आ जाएंगे, शांति से समझना, जो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, यहाँ पर समझना होगा ना, शांति शांति सुनना। देखो इसको एक लाइन में कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे बोला, ऐसे सुजीत वीडियो ऑन करो, ऐसे समृद्ध सेताना ऑन करो, ठीक, आपको क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक लाइन में कैसे करो, जो जो लिखे प्रभु उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, चलो ठीक है, जंतर मंतर कर देंगे, तंत्र मंत्र कर देंगे, ठीक। ए बी का बाबू प्रेजेंट एज का रेशियो दे ले 4:5, ठीक, 5 साल के बाद कह रहा, ये दोनों 5 साल के बाद कह रहा है, सम कितना हो गया, 46 साल हो गया, बात समझ में आ गया, ठीक। तो हमको जब भी कंपेयर करना बाबू, जो चीज दिया रहेगा उसी से कंपेयर करना, प्रेजेंट एज के रेशियो है तो प्रेजेंट एज के रेशियो का सम निकालो, कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 5 साल के रेशियो के 5 साल के बाद है, ये क्या एज का सम दे ले, तो इसको 5 साल पीछे लेके जाओ ना और उसको कंपेयर कर दो 9 से, इसको 5 साल पीछे लेके जाओ और उसको कंपेयर कर दो 9 से, 5 साल के बाद सम का दे ले है ना, तो 5 साल ही पीछे जाएंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, बता दो सुजीत बाबू, एस सुजीत जहानाबाद 41 सर, अब बताओ बाबू, बताओ मेरे सपना, इसको 5 साल पीछे लेके चलेंगे तो दोनों का सम का एज कितना होगा, बताओ सपना, देखते हैं कौन बताती है, 41 बताओ सानवी, 5 साल पीछे लेके जाओ भोली सर, 41 वेरी गुड, बताओ बाबू, बताओ हर्षिता सर, हम लोग से पूछ रहे हैं 41 आप बोले संतनी, संतनी सर 41 होगा, यस वेरी गुड बाबू, सारा बच्चा समृद्ध बाबू बोलो, अच्छा समृद्ध भोला बोलो बाबू, इसके मम्मी फोन किया जा रहा, आज इसका वीडियो बंद था, लेट से भी आया, बोलो रौनक 5 साल पहले बाबू, अभी बाबू 5 साल बाद 46 साल का बाबू, तो 5 साल पहले जाएंगे, बोलो रौनक 41 और कौन है बाबू, कोई बोल सकता बाबू 41 के सिवा कोई अदर ऑप्शन, यस सर 36 आएगा सर, 36 देखो शैतान, 5 साल बाद ए भी बढ़ेगा, 5 साल बाद बी भी बढ़ेगा ना, तो 5 × 5 = 10 हो गया ना भोला, 5 साल आप बढ़ोगे, 5 साल आपके पापा जी भी बढ़ेंगे, तो 10 साल होगा ना बाबू, तो ये दोनों का सम करके 46 साल आ रहा,
तो पांच साल बाद है, पांच साल बाद ये दोनों ना पांच पांच बढ़ के छियालीस आ रहा बाबू। तो जब इसको पांच साल पीछे जाओगे तो ए में भी पांच साल पीछे जाओगे और बी में भी पांच साल पीछे जाओगे, तो दस साल पीछे हम लोग ना जाएंगे भोला। अरे शैतानी छियालीस साल क्या है, दोनों के एज का सम दिले, दोनों का एज का सम दे, एगो के नहीं दिले, तो दोनों के एज के सम दिले तो पांच साल ई भी बढ़ा, पांच साल बी भी पढ़ा। अब इसे है ना तब छियालीस साल हो गया पांच साल के बाद। आप पांच साल पीछे जाओगे तो ए भी पांच साल पीछे जाएगा, बी भी पांच साल पीछे जाएगा। तो पांच प्लस पांच कितना, दस ना घटाएंगे जो 41 चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो पांच साल प्रेजेंट एज का एज के रेशियो का सम कितना 9, और ये बाबू दस साल पीछे जाएगा, ये कितना जाएगा 10 साल पीछे जाएगा। बोले समझ में आ रहा सपना, ये सपना। हाँ तो 46 से बाबू पांच पांच 10 जाएगा, तो ये 46 माइनस 10 करोगे बाबू, 46 माइनस 10 करोगे कितना होगा 36 इयर्स होगा, है ना। तो ये 10 साल पीछे जाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, 5 साल इसको पीछे करो और 5 साल इसको पीछे करो, तो हम लोग प्रेजेंट एज में पहुंच जाएंगे। तो प्रेजेंट एज के रेशियो का सम 9 है, और इसका क्वेश्चन में दिया प्रेजेंट एज के सम कितना दिया हुआ, इसको मैं 5 साल 5 साल पीछे करो तो 36 हो जाएगा, तो 9 पार्ट बराबर कितना 36 हो जाएगा, है ना। एज के रेशियो का सम कितना हो गया सर, 9 पार्ट हो गया, 9 पार्ट हो गया तो 9 पार्ट बराबर कितना 36 हो गया, तो एक पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 36 अपॉन 4, वही ना हम लोग लास्ट में कैलकुलेट लाए बाबू x बटा 4 करके, है ना, 9x बटा 36 के ना यही आया था। तो एक पार्ट की वैल्यू 4 हो गया, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 4 है, प्रेजेंट एज कितना 4 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 4 है, तो प्रेजेंट एज कितना 4 × 4 5 × 5 5 × 4, है ना। लिखो बाबू किसको किसको समझ में नहीं आया जी, सर मुझको कहा नहीं समझ में आया अनुज, बोलो बाबू अनुज कहा नहीं समझ में आया बाबू, अनुज कहा नहीं समझा जी, सर वो सम में जो बोले ना सर। अरे शैतान पांच साल बढ़ेगा बाबू, पांच साल के बाद एज का सम 46 साल दिले, तो पांच साल ए भी बढ़ेगा, पांच साल बी भी बढ़ेगा, और उसको जोड़ के 46 आ रहा, तो हमको प्रेजेंट एज दे ले, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया, तो पांच साल ए पांच साल के बाद बी पांच साल के बाद जोड़ने के बाद 46 आ गया, तो इसको पांच साल पहले करो, तो ए को भी पांच साल पहले करोगे, बी को भी पांच साल पहले करोगे, तो टोटल 10 साल पीछे चलेंगे ना बाबू, तो 46 साल माइनस 10 करोगे तो 36 ईयर, तो 10 साल इसमें घटाओगे तो उसका सम कितना हो जाएगा 36 साल हो जाएगा। तो 10 साल पहले दोनों के एज का सम कितना होगा 36 साल, और इसका रेशियो का सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 पार्ट की वैल्यू 36, एक पार्ट का वैल्यू 4, इसीलिए 4 प्रेजेंट एज का सम क्यों निकाले से, क्योंकि मेरे बाबू रेशियो का सम पोसाने में दिले भोला मेरा कि 5 इयर्स के बाद सम ऑफ एज ऑफ एंड भी जो दिले रहेगा वही ना निकालोगे, एज का सम दिले इसीलिए हम लोग रेशियो का सम निकालेंगे, समझा। क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा 5 सम ऑफ एज कर रहा, तो रेशियो का सम निकालेंगे, समझा भोला। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो एक पार्ट की वैल्यू इतना आगे भोला सर 1 सेकंड सर डाउन वो तीरेस करेगा सर एबसेंट है रौनक, रौनक बोला यस सर। लेट से कहा है तो बाबू कब आप टाइम से आइएगा जी, कोचिंग वोचिंग जाते हो जी, हाँ बोला रौनक, ये तो कसम खेले सर हम लेट से तो इतने नहीं आए, इसलिए बाबू एक पार्ट का वैल्यू 4 हो गया, इसलिए प्रेजेंट एज किसका बाबू, प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज कितना 4 है ना बाबू, 4 है, एक पार्ट का वैल्यू 4 है, तो 4 पार्ट का वैल्यू क्या 4 × 4 16 इयर्स हो जाएगा। बी का सर 5 हिस्सा है, प्रेजेंट एज ऑफ बी फाइव इंटू फोर कितना हो जाएगा 20 इयर्स हो जाएगा, है ना। तो ये आपका बाबू, आप लोग एक आध दिन आप लोग को छुट्टी देके फिर चेक करेंगे बाबू, बहुत सारा बच्चा जो 4-5 वो टारगेट पे है बाबू, बोल देते रौनक फिर सारा कंप्लीट रखेगा, रौनक हो गई, शांतनी हो गई, सुहानी रोशनी हो गई, सुजीत हो गया इसमें, है ना बाबू। हर्षिता को तो खैर जाके कूट देते हैं, हर्षिता को ले टेंशन नहीं है, जो आउट ऑफ रीच है बाबू। सर बुक वाला तो चेक करेगा था भोला, बुक वाला के साथ साथ जो भी हम इतना 189 क्वेश्चन करवाए, आप तो रेशियो के शुरू से ना हो भोला। हाँ सर, हाँ तो इतना पूरा रहना चाहिए,
पहला ही आपको बोले थे भोले मेरे कि क्लास में जो करवाएंगे उसका अलग कॉपी, बुक वाला का अलग कॉपी। छोटी ने पहले रेशियो खत्म करेंगे तब, अभी सबको सांस थोड़ा लेने देते हैं, रेशियो फिनिश कर देंगे तब। एक दिन खाली, एक दिन में हो जाएगा, चार पांच स्टूडेंट का है टारगेट, तो वही सबका हाँ आउट ऑफ रेंज जो है बाबू, बाकी आप लोग तो पास में तो कोट देबे करते हैं। नेक्स्ट बाबू 188 नंबर, देखो बोला क्या करना, इसका फर्स्ट मेथड बना लेगा बाबू। द सम ऑफ एज ऑफ बाबू मदर एंड हर डॉटर इज बाबू 60 इयर्स। सर बना लेगा सर, मदर और उसके बेटी, मदर और उसके बेटी का बाबू एज का सम कितना 60 साल दे ले है। 12 इयर्स एगो बाबू द मदर वाज बाबू 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। 12 साल के बाद बाबू मदर कैसे कितनी थी बाबू, 12 साल पहले मदर 8 गुना थी और बेटी कैसे थी, मदर 8 गुना था बेटी 1 साल है ना, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मतलब बेटी 1 साल की थी, मम्मी 8 साल की, ऐसे तो पॉसिबल नहीं, मैंने 8 टाइम्स है, टाइम्स है ना, टाइम्स 8:1 का होगा। हाउ ओल्ड बाबू द डॉक्टर डॉटर एट द प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में और डॉटर कितने साल की होगी, कितने साल के हो गए ना, यही आपको कह रहा है ठीक। देखो बाबू फर्स्ट मेथड से अगर बनाना चाहोगे बाबू तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे भला, सर सिर्फ थोड़ा सा हिंट कर दीजिए बाकी बना लेंगे। अच्छा है ना, द सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर, यहाँ पे नहीं ना कह रहा बाबू मदर और उसके बेटी का एज का सम 60 साल दिया, तो नहीं कुछ कहेगा तो प्रेजेंट एज कहेगा। देखो 12 साल पहले कह रहा था, 12 साल पहले कब से प्रेजेंट है सर, 12 साल बाद कहेगा तो फिर से प्रेजेंट है सर, तो मान लो बाबू लेट प्रेजेंट एज बाबू, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ किसका बाबू, मदर का, मम्मी जी का है ना, मम्मी जी का कितना सर 1 इयर्स, ठीक बाबू, तो कौन बताएगा प्रेजेंट एज ऑफ बाबू डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर डॉटर डॉटर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नीचे से चलते हैं, बताओ मिस्टी बाबाधाम, बाबाधाम नहीं बाबू मिस्टी बिहार शरीफ, बताओ बाबू मिस्टी ऐसे धन मिस्टी, दोनों मम्मी का एज 60 साल, दोनों के एज का सम, मम्मी का एज 1 साल, दोनों के एज का सम 60 साल, तो बेटी का एज कई साल, मम्मी और मम्मी के बेटी का एज का सम 60 साल, जिसमें मम्मी 1 साल के, तो बेटी कई साल के, बता मिस्टी। चलो एक छड़ी बाबू, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। नीचे से अंकित बिहार, अच्छा अंकित बाबू बता बाबू, मंगला 60 - 1 इयर्स, नीचे बताओ संतरी, मम्मी 1 साल की, दोनों का मम्मी आप और आपकी मम्मी का एज 60 साल, जिसमें आपकी मम्मी 1 साल, तो आप कई साल के संतनी, मम्मी 1 इयर्स, मम्मी 1 साल की बाबू, हद करते बाबू खतरनाक मचियो सर, आप भी तो बोले 1 साल, अरे शैतान हम क्या बोल, आपकी और की मम्मी का एज का सम 60 साल ठीक, जिसमें बाबू आपकी मम्मी 1 साल की, 1 साल की, तो आप कई साल के सर, मैं हाँ सर वाई इयर्स, अरे भोली यहाँ पे एक भरे, मान लो बाबू आप हो गए शांतनी एकदम बाबू, आपकी मम्मी जी दोनों का एज जोड़ के 60 साल और आप और आपकी मम्मी का एज मान लो 40 साल, तो आप कई साल के भोली, तो सर मैं 20 इयर्स की, तो कैसे निकाली सर, टोटल जो सम का एज है उसमें से 40 सबट्रैक्ट की, तो यहाँ एज का सम कितना है 60 है है ना, मम्मी का एज वाला घटा दो, दोनों के टोटल सम है, मम्मी का एज घटा दो तो आपका एज है ना, तो 60 - 8 इयर्स हो गया ना, समझे जी, हाँ सर समझी, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या करा बाबू, प्रेजेंट एज दोनों का पता चल गया, मम्मी के बेटी का पता चल गया है ना, ठीक बाबू। अब उसके बाद क्या करता, 12 साल पहले मम्मी का एज 8 टाइम्स था है ना डॉटर से, तो पहले 12 साल पहले चलो 12 इयर्स एगो बाबू, दोनों का एज निकालो, बताओ रोशनी 12 इयर्स एगो बाबू मदर का एज कितना होगा, रोशनी 12 साल पहले मम्मी का एज कितना होगा बाबू, ए रोशनी भोले 12 साल पहले बाबू मम्मी का एज कितना, सर बताओ, बोलोगे जी
बता रहे सर। सर इतना देर से बताओ सर। अरे आपका भी टर्न आएगा, बोलो रोशनी। रोशनी के बाद x प्लस 12 12 सर पहले बाबू सर बोलूं x माइनस 12 शैतान रोशनी 12 साल पहले बाबू कितना होगा बाबू 12 माइनस x 12 साल पहले 12 माइनस x बाबू सर x माइनस 12 होगा। अरे शैतान अभी आपके एज बाबू मम्मी का एज 1 साल मान लो अभी आपकी मम्मी का एज 40 साल तो 12 साल पहले कई साल 40 माइनस 12 करोगे ना जी नेक्स्ट बाबू ये मम्मी हो गई डॉक्टर बताओ प्रधान रोशनी के पहले प्रधान डॉक्टर का एज कितना होगा सर 60 माइनस एक्स माइनस 12 सर डॉक्टर की बोल रहे हैं डॉक्टर का एज कितना हो जाएगा बाबू 12 साल पहले बाबू 60 माइनस एक्स माइनस कितना 12 इयर्स 48 माइनस एक्स ये इसको करोगे 60 माइनस 12 मम्मी कितना पढ़ाई 48 माइनस एक्स इयर्स हो जाएगा 12 साल पहले ठीक। अब ये 12 साल पहले 12 इयर्स एगो हमने पहुंच गए है ना 12 इयर्स एगो दोनों का हमने एज निकाल लिया दोनों का एज निकाल मम्मी जी का भी निकाल लिया और बेटी का भी निकाल लिया है ना। अब क्या कहता है 12 साल पहले बाबू मम्मी कितना है 8 गुना 8 टाइम्स एज हो जाए डॉटर माने 12 साल पहले मम्मी 8 गुना थी किस से बेटी से तो यहाँ से बाबू मम्मी का एज कितना है सर एक्स माइनस 12 यही ना मम्मी का एज है बाबू ठीक हो। अब डॉक्टर का एज कितना है 48 माइनस एक्स है ना तो मम्मी का एज कितना 8 गुना है किस से डॉक्टर से तो डॉक्टर में 8 मल्टीप्लाई करोगे तब ना मम्मी का एज 8 गुना आएगा है ना। हाँ सर अब इसको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो तो ये एक्स माइनस 12 हो गया यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करो आपका क्या आएगा आंसर आएगा कितना हो जाएगा 48 इंटू 8 माइनस 8x हो जाएगा 8x पकड़ के इधर लेके आओ और 12 उधर लेकर सॉल्व कीजिए बाबू लिखिए लिखिए सॉल्व करते हैं सर 348 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा सुजीत भोला 386 304 सर प्लस 12 लिखो 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 384 शांत रहो कहानी समझ में आता है अनुष्का ए बोली आ रहा है ना जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए बाबू मम्मी है पापा तो करना है जी मम्मी पापा बेटा बेटी यही तो है बाबू चाचा चाची ताऊ ताई पढ़ाई में है क्या जी कुछ है मैथ में बाबू खाली डरा दिया जाता। नेक्स्ट बोला इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 48 मल्टीप्लाई 48 ये 8x माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 8x माइनस में इधर लाओ 44 आ रहा है हां 8x को पकड़ के इधर लाओ तो एगो x पहले से है एगो 8x इधर आएगा 9x हो जाएगा बराबर 48 मल्टीप्लाई 8 और ये माइनस 12 राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 12 9x वाला 48 384 होता है और प्लस 12 9x वाला 384 प्लस 12 कितना 396 x बराबर 396 अपॉन 9 9 36 और 4 44 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितना आ गया 44 आ गया। तो हम x मेरा क्या था परसेंटेज ऑफ मम्मी परसेंटेज ऑफ मदर x क्या था परसेंटेज ऑफ मदर का निकलने गया भले इसीलिए वो 44 इयर्स आ जाएगा इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ किसका निकल गया मम्मी जी का लेकिन प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है प्रेजेंट एज ऑफ क्या निकल गया वो भी निकाल देते हैं रो मत मदर का निकल गया कितना 44 इयर्स ठीक। नेक्स्ट बाबू माइनस 44 होगा समृद्ध भोला बता बाबू सुजीत के बाद सुजीत बाबू तो मम्मी का उम्र 44 साल बेटी का उम्र कई साल सुजीत सर वो मदर्स एज होगा ना परसेंटेज ऑफ मदर बाबू फर्स्ट में सर फर्स्ट में 12 इयर है वो नीचे
अच्छा टू बी मदर सेज, हाँ बाबू ठीक है, मदर सेज डॉटर, यहाँ डॉटर सेज है ना। चलो ये सब लिखते थे पर ध्यान दो। बताओ समृद्ध कहाँ गया, समृद्ध शैतान गया कहाँ गया? यस सर। हाँ बाबू, मम्मी 44 साल की, बेटी कई साल की? सर 44 क्या होता है? 44। बोलो बाबू क्या बोल क्वेश्चन। मम्मी का एज 44 इयर्स, तो डॉक्टर की एज कितना, प्रेजेंट एज कितना? जी लीजिए जिंदगी 16 सर। हाँ बाबू वेरी गुड बाबू। अब भूमिका, श्रुति, ये सब का सपना लिखे बाबू, अनुष्का। देखो सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे करेंगे बाबू? सर रुकिए सर, लिखा नहीं हूँ। जल्दी बाबू जल्दी बाबू, हम लोग के पास टाइम ज्यादा नहीं है जी। हो गया सर। नेक्स्ट सेकेंड मेथड देखो, इसलिए एक लाइन लिखना बाबू, प्रेजेंट एज ऑफ बाबू डॉक्टर कितना सर? 60 माइनस एक्स एन बाबू, एक लाइन उसमें लिखेगा बाबू, इसलिए भोला प्रेजेंट एज ऑफ डॉक्टर कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स हो जाएगा। ये सानवी बाबा धाम, सानवी ये भोली, इसका तो सीरियल ही चलते रहता, वो परेशान हो गया, इसलिए बाबू प्रेजेंट एज सानवी क्या कर रही है, कहां जी भाग गई बाबू, क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, सर हम संडे को सारा भेज देंगे, संडे को सारा भेज, एक भी आया उसका प्रेजेंट एज ऑफ डॉक्टर? शैतान खाली झूठ झूठ बहुत बोलती है जी। प्रेजेंट एज ऑफ डॉक्टर कितना हो जाएगा बाबू, है ना 60 माइनस एक्स है, कितना है सर 60 माइनस एक्स है, 60 माइनस 44 है, इयर्स है, कितना हो जाएगा 16 इयर्स हो जाएगा। ठीक सेकेंड मेथड बोला, इसके मम्मी आज फोन करते हैं जी, पढ़ते लिखते है नहीं सानवी, है कहाँ जी है यो नहीं लगता। हाँ सानवी बाबू कहाँ भेजिए बाबू, कॉमिक्स कॉमिक्स पढ़ रही है, खाए जा कंसेप्ट को भुलाए जा। लिखे बाबू नेक्स्ट बाबू सेकंड में था, कहाँ गप कर रही है अनुष्का, ये अनुष्का शैतान गप करने में लगल है, संतनी ऑन कीजिए बाबू, सत्यम बाबू ऑन करो, सत्यम बोला नेक्स्ट बाबू, द सम ऑफ एजेस बाबू मदर और हर डॉटर बाबू 60 इयर्स है ना बाबू, अब समझना है सेकेंड मेथड देखो कैसे करेंगे। देखो सेकंड मेथड कैसे हम लोग करते हैं, क्या है सर दुइये को है बाबू, मम्मी जी हैं और बेटी जी है, ये मम्मी जी हो गई, शांतनी हो गई, मम्मी जी का शांतनी का मम्मी जी हो गई, और उसकी क्या हो गई, बेटी हो गई कि नहीं बाबू, डॉक्टर हो गई कि नहीं शांतनी भोले, है ना ठीक सर। प्रेजेंट एज होगा बाबू, आप दोनों का प्रेजेंट एज होगा, ठीक है सर प्रेजेंट एज होगा, प्रेजेंट एज क्या दिया अब समझना, द सम ऑफ एज है ना, द सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर अबाउट 60 इयर्स, मतलब प्रेजेंट एज यहाँ पे कुछ रहा होगा भोला, अरे शैतान मेरे प्रेजेंट एज यहाँ पे कुछ रहा होगा आपका और आपके है ना बाबू मम्मी जी का, कुछ प्रेजेंट एज रहा होगा, रेशियो नहीं दे ले, प्रेजेंट एज का रेशियो नहीं दिया, शांति समझना, आपके दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो नहीं दे ले, लेकिन क्या कह रहा है सम कह रहा, प्रेजेंट एज के रेशियो का सम दे ले कितना सर 60 इयर्स, ठीक है ना बाबू, प्रेजेंट एज नहीं ना दिले बाबू, क्या कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ मदर एंड हर डॉक्टर, तब सूर्य से बोला जब भी सम कहेगा कुछ नहीं कहेगा तो क्या समझना प्रेजेंट एज समझना,
तो प्रेजेंट एज का सम दे दिया 60 साल, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो। उसके बाद क्या करा सर, 12 इयर्स एगो, 12 साल पहले, तो पहले हम लोग कैसे चलेंगे, है ना, 12 साल पहले चलेंगे, 12 साल क्या चलेंगे, पहले चलेंगे, 12 साल पहले चलेंगे, है ना, 12 साल पहले चलेंगे, है ना। तो यहाँ से बाबू 12 साल पहले चलोगे, माइनस 12 करोगे, है ना। क्या करा बाबू, 12 से मदर बाज 8 टाइम्स, मदर कितना था, 8 गुना था। तो मदर बाबू मान लो 8 साल की थी बाबू, तो ऐसे एक्चुअली 8 तो नहीं होगा, 8 टाइम्स कर रहा है, 8 टाइम्स कर रहा है बाबू कितना, मान लो बच्चा का एज 1 होगा बाबू, तो मदर का कितना होगा, 8 होगा, 8 गुना होगा। 8 टाइम्स कहने का मतलब क्या हुआ, वो शांति समझना, 12 इयर्स एगो बाबू 12 साल पहले बाबू मदर कितना था, 8 गुना था, किससे, बच्चे से, है ना। तो यहाँ मान लो अगर 2 लोगे, यहाँ बच्चा का एज 2 लोगे, तो मदर का कितना लेना पड़ेगा, इसका 8 गुना, तो 60 लेना पड़ेगा, ठीक। यहाँ 3 लोगे, बच्चा का एज 3 लोगे, तो इसका 3 गुना कितना कर दो, 8 गुना कितना कर दो, 24 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 24 लेना पड़ेगा, है ना, 28 गुना। दोनों का डिफरेंस कितना रहना चाहिए, 8 गुना रहना चाहिए, 8 गुना रहना चाहिए। तो माँ का अगर एज 8 लेते हैं तो बच्चा का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बच्चा का कितना होगा, 1 हो जाएगा। कितना टाइम्स है, 1 का 8 टाइम्स 8 होगा ना, हाँ सर। ये कब की कहानी सर, प्रेजेंट एज से 12 साल पहले की कहानी, प्रेजेंट एज से 12 साल पहले की कहानी, है ना। तो 12 साल पहले दोनों का एज का सम कितना होगा, शांति से सुनना, प्रेजेंट एज का सम 60 साल दिला, अभी ना शंकर क्वेश्चन करवाया, अभी यहाँ से प्रेजेंट एज का सम दे ले, लेकिन यहाँ पे क्या करा सर, रेशियो दे ले, रेशियो दे ले कब सर, 12 साल पहले, 12 साल पहले का रेशियो दे ले। तो यहाँ सर 12 साल पहले गया, दोनों में 12 साल पहले गया, तो ये दोनों का रेशियो का सम कितना आ गया, दोनों के रेशियो का सम कितना आ गया सर, 9 आ गया, ठीक। अब 12 साल पहले बाबू दोनों के एज का रेशियो का सम 9 है, और प्रेजेंट एज का सम कितना है, 60 है, तो इसको 12 साल पहले लेके जाओगे तो कितना होगा, कितना होगा बता बाबू श्रुति, 12 साल अभी प्रेजेंट मम्मी और आपके, आपके और आपके मम्मी की एज का सम 60 साल, 12 साल पीछे चलो, है ना, तो दोनों का एज का सम कितना होगा, कितना होगा श्रुति, श्रुति शैतान 48 कितना होगा अनुष्का बाबू, अनुष्का मेरी बताएगी, 12 साल पीछे चले, आप भी पीछे चलोगे, मम्मी जी भी पीछे चलो, आप शैतान 12 साल पीछे चलो, खाली आप ही जाओगे, मम्मी जी को छोड़ दोगे, आप 12 साल आगे जाओगे तो खाली आप ही का एज बढ़ेगा, मम्मी जी का एज नहीं बढ़ेगा। तो मालूम चला बाबू आपकी मम्मी जीवित रह गए, आप पहले ही ऊपर चल गए, बताओ अनुष्का 12 साल पीछे बाबू एज दोनों के एज का सम कितना होगा, 48 भोली, ये सब शैतान ना पढ़ेगी, कौन बताओ हर्षिता, हर्षिता बोलो बाबू, पहले सबको बोले ना कौन है, मम्मी है बेटी है, तो सब बेटी सबको बोलने दो, बोले हर्षिता सर क्वेश्चन क्या है, अरे अभी मम्मी और बेटी के प्रेजेंट एज का सम 60 साल, तब क्वेश्चन में तो सन भी रहना चाहिए था, अच्छा सन वाला है, 12 साल पीछे चलो, 12 साल पीछे चलो, पीछे में सर एज का सम कितना होगा हर्षिता, 12 साल पीछे चले तो एज का सम कितना होगा, अच्छे से बताइए, समझे नहीं, समझे नहीं शैतान, इतना देर से पिछलो का क्वेश्चन करवाए बाबू, बेटी एकदम ना समझते, बेटे सब समझता सर, पूछिए ना सर, हम लोग से सर बताएं सर, 36 ईयर हो, बताओ रौनक, बताओ रौनक 12 साल पीछे चलेंगे कितना होगा रौनक, 36 सर, ए रौनक बोला यस सर, 36 सर, अरे शैतान अभी दोनों के एज का सम 60 साल, 12 साल आप पीछे जाओगे तो खाली आप ही पीछे जाओगे, मम्मी जी भी पीछे जाएंगे ना, तो 12 साल मम्मी पीछे जाएगी, 12 साल आप पीछे जाओगे, तो 24 साल पीछे गए, तो 24 साल पीछे गए, तभी 60 साल, तो 24 साल घटाओगे तो कितना होगा, 36 इयर्स का होगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, हाँ प्रीवियस क्वेश्चन के, तो अभी आपका 60 है, 12 साल आप पीछे जाओ, 12 साल पीछे, तो 24 सबट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा, 36 इयर्स हो जाएगा। तो बाबू 12 साल पीछे दोनों के एज का सम कितना रहा, 36 आ रहा, अब 12 साल पीछे एज के रेशियो का सम कितना हो रहा है, 9 आ रहा है, 8 प्लस 1 कितना आ रहा है, 9, तो यही 9 किसके बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर हो जाएगा, यही जो 9 है किसके बराबर हो जाएगा, 9 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर हो जाएगा, यही 9 पार्ट किसके, 36 के बराबर, तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू कितना, 36 बटा 9 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब एक पार्ट की वैल्यू 4 हो गया, तो 8 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा, मदर का एज 8 इंटू 4 कर दो, 8 इंटू 4 32, हाँ
तो ये बाबू क्या 12 शेयर एगो निकलेगा, 12 शेयर एगो, मदर का एज कितना 8 × 4, 12 शेयर एगो, डॉक्टर का एज कितना 4, 12 ईयर एगो, ये 8:1 का 12 साल पहले है ना, या 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 साल पहले का निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए बाबू 12 ईयर्स एगो बाबू मदर एज कितना होगा, मदर्स एज कितना हो जाएगा, मदर्स ये सब बाबू बिना कापी कलम का, मदर्स एज कितना 8 × 4 कितना हो जाएगा 32 ईयर्स हो जाएगा, तो 12 साल पहले, तो प्रेजेंट एज कितना होगा बाबू बता बाबू मिस्टी एसानवी, प्रेजेंट 12 साल पहले बाबू 32 साल के, तो प्रेजेंट एज मदर कितना होगा, ऐसे तान वो तो सुनबे नहीं करती है, बोलू सर नहीं बाबू बार बार आप ही बोले, प्रेजेंट एज ऑफ बाबू 32 + 12 का कम मिले, प्रेजेंट एज ऑफ बाबू मदर 32 + 12 शैतान भेजे कहानी बाबू सर 44 ईयर्स अच्छा भेजी कहानी बाबू क्या बोली थी सर कि हम सारा फोटो खींच के भेज देंगे, एको को नहीं आया बाबू सर भूल गए, भूल गए था अभी भेजो, भूल गए तो अभी भेजो, ठीक है सर भेजो, भेजते रहे तो 9 बजे फोन करते हैं, नहीं सर भेज देंगे 9 बजे से पहले आप फोन मत करिएगा। नेक्स्ट बाबू बताओ मेरी संजना, ए संजना 12 साल पहले बेटी कई साल की, 12 साल पहले बेटी सर ब्लर दिख रहा सर, ब्लर दिख रहा भोली पर हम बताएं सर 16 बस देखो 12 साल पहले बेटी 16 साल की हो गई, शैतान बताओ सपना 12 साल पहले बेटी साल। सर 4 साल होगा, बोलो सपना भोली 12 साल बेटी पहले बेटी कई साल की सर 4 + 12 होगा, सपना ये अपना 12 से रे गो बाबू, डॉक्टर एज कितना होगा भोली 4 ईयर्स कितना ईयर 16 ईयर्स अरे मेरे लाल 12 साल पहले, ये 12 साल पहले बाबू एक पार्ट का वैल्यू 4 आ गया, तो यहाँ एक के डॉक्टर एक के होने दो, 12 साल पहले बाबू कितना होगा 4 ईयर्स हो जाएगा, 4 साल की थी 12 साल पहले बेटी 4 साल की थी, आपको प्रेजेंट एज पूछा था, अभी से 12 साल पहले 4 साल के, तो 12 साल पहले से अभी आओ तो कितना होगा 16 ईयर्स होगा, है ना, आप उल्टा बोली शैतान, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर लिखो, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर ये 12 साल पहले बाबू, तो अभी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 + अनुष्का ऊपर वाला इरेज कर दीजिए सर, ए अनुष्का भोले नो सर नहीं इरेज करिए, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, अनुष्का कैसे पढ़ने मेथड का सर, यस सर हां फास्ट मेथड जल्दी लिखो बाबू, सर आज क्या पढ़ेंगे साइंस केमिस्ट्री ना सर, हां बाबू कि फिजिक्स सर, फिजिक्स तो पढ़ाई भी नहीं है सर, ये इसको पहले मिसिसिबल लिक्विड खत्म करो ना जी, बहुत सारे सही तो बोला था सर 16 साल 16 प्रेजेंट, हम 12 साल पहले ना पूछ रहे थे बाबू, 12 साल पहले पूछ रहे थे चिल्ला चिल्ला के, वो प्रेजेंट एज बताई सर, ये तो आंसर ही बता दीजिए, यस सर ये सब 5th जनरेशन का है बाबू, 5G वाला बच्चा सब, अपना 1 क्लास का एक आता है बाबू पढ़ने के लिए। नेक्स्ट बाबू जो बाबू अभी आप लोग ये सब पढ़ रहे हैं बाबू, 6-7 महीने के बाद 1 क्लास वाले बच्चे को यही सब पढ़ाएंगे, सिलेबस तो मेरा वही है बाबू, शुरू में नंबर से, शुरू में बेसिक है ना, उसके बाद नंबर सिस्टम, उसके बाद अलजेब्रा, आप पहले से स्टार्ट क्यों नहीं किए, हम लोग को पहले पता था तो हम लोग पहले आप ही के पास आते, ये वाला करके लाना ठीक है ना, ज्यादा हमको थकाओ नहीं बाबू, कितना हमको थकाओ, पतला दुबला शरीर, एगो में दिमाग लगा कर नहीं बनेगा तो फिर बता देंगे, दोनों मेथड से सर, हाँ दोनों मेथड से कोशिश करना, एगो में दिमाग लगाओ ना, कल हम लोग थोड़ा सब डिफरेंट, ये एज वाला जितना भी टाइप था ना, इसको एक बार अपने मन से रिवाइज कर लोगे ना, है ना, तो कुछ नहीं करना रहता, ऐसी रेशियो लिखना रहता, पीछे करना रहेगा तो माइनस करना, आगे करना रहेगा प्लस करना, ऐसे ही करना है ना, तो टीचर सब पूछेगा तो ऐसे हवा में बात करना, आंसर बताना, बाकी समझने वाला समझते रहे, सही सही आंसर बता देना, बाकी समझने वाला समझते रहे ना। नेक्स्ट बाबू रुक जाइए, सर साइंस का टाइम हो गया ना सर, आधा घंटा, हाँ बाबू हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ रहे, तो होमोजेनियस मिक्सचर में कहाँ तक लिखा है बाबू, द कंपोनेंट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, क्या लिखे सर वो, इस टू उसके बाद क्या लिखे सर,
क्या भला अब क्या लिख कहाँ लिख क्या लिखे सर एट इस टू वन फिर नीचे क्या लिखे सर एट इस टू वन नीचे यहाँ पे कुछ हो नहीं है परजेंटेज यहाँ डाउट डाउट है यहाँ पे कुछ हो नहीं है परजेंटेज डेले नहीं है कुछ हो नहीं यहाँ पे है सर आप लिखा है कि कंपोनेंट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई हाँ बाबू चलो अच्छी बात है नेक्स्ट एक दो पॉइंट लिखते बोला पूरा रूम का बल्ब बाबू लगता है दो तीन गो बल्ब फ्यूज हो गया देखो यह फ्यूज होकर रखल है नाइस टाइम नहीं मिलता चेंज करने से वारंटी है कि नहीं वारंटी कहाँ हो ये वो यार देखो दो गो फ्यूज हुआ इसका देखो एक्सपायर है 13/4/21 एक्सपायर बच गए खत्म हो गए ना बाबू ठीक है ना देखो यह फ्यूज हो रहा बल्ब ले फिलामेंट वाला सर सर को सब आप सर कुछ लिख कर रखते हैं है ना बाबू नेक्स्ट बोला रिकॉर्डिंग तो आप करिए अब टाइम मिले तब ना बाबू बल्ब मार्केट से लाने जाए लाना है लगाना है टाइम तो हो गया आपके पास अरे कहाँ टाइम स्कूल बचता है आप लोग को एक घंटा पढ़ाने से पहले बाबू हमको तीन चार को बुक से नोट्स तैयार करना पड़ा